हाय एवरीवन, हियर आई एम अकीला विशाक विद यू। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं व्लॉगिंग भी करूं, लेकिन वीडियोस भी जो बनाऊं, मेरा दिल होता है, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं जो भी करूं आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो। मतलब सिर्फ वीडियोज़ ना बनाऊं, बल्कि जो कुछ भी हो उसमें कुछ ना कुछ आप लोगों को टिप ट्रिक्स और या कोई हेल्प ऐसी मिल जाए या कोई चीज़ आपके लिए मतलब फ़ायदे में आए। तो मुझे सिंपल वीडियो बनाना इसलिए नहीं पसंद, तो मैंने कहा कि मैं ज़रूर ये वीडियो भी शेयर करूं कि किस तरह आपका बच्चा ग्रोथ करता है, किस तरह आप उनको समझ सकते हैं। सो एज बाय एज मैंने लिखा है कि किस तरह आपका बच्चा ग्रोथ करता है। तो छोटे बच्चे का तो आपको 1.5 साल तक, 6 महीने तक का जो बच्चा होता है सिर्फ अभी वो सुनता है और क्राई से अपना आप बताता है कि मुझे क्या है, लेकिन उसके बाद जो है वो ऑब्जर्वेशन करना शुरू कर देता है। 6 महीने, अभी तो मेरा बेटा 9 मंथ का है, लेकिन वो इतनी अच्छी ऑब्जर्वेशन कर रहा है। आगे मैं वीडियो आपके साथ पूरी शेयर करूंगी, वो ज़रूर देखिएगा किस तरह बच्चा जो ग्रोथ करते हुए समझना शुरू हो जाता है। 9 मंथ का बेबी है और वो किस तरह समझ रहा है और क्या करना चाह रहा है बता रहा है। फिर आगे मैं अपने स्कूल की वीडियो आपके सामने शेयर करूंगी, वो भी देखिएगा जरूर कि किस तरह आप अपने बच्चों को डील कर सकते हैं। जो एज है 2 to 3 ईयर्स के बीच की, जिसको मॉन्टेसरी एज कहा जाता है या प्ले ग्रुप एज कहा जाता है, फिर उसके आगे जो बच्चा जाता है, लेकिन आप किस तरह फ्री हैंड तरीके से उनको सिखा सकते हैं। पहले उनको बिल्कुल फ्री हैंड होने दें, मतलब अपने उसमें भी रखें, रूल रेगुलेशंस में भी रखें, लेकिन डांट डपट के नहीं, बड़े आराम से। मैं जिस तरह क्लास में करती थी, हल्ला गुला, इतना हल्ला गुला होता था कि बच्चों को अच्छा लगता था, लेकिन जब भी कोई प्रेजेंटेशन करवानी, जस्ट उनको इस तरीके से रखती थी कि वो मेरी भी सुने। घरों में होती है, ऐसा होता है कि हमारे सामने घर में कहीं बिल्डिंग में कोई कचरा फेंक गया तो आंटी बाहर निकल के बातें करें। सो ये सही है, अच्छी बात है, क्योंकि जो हमने किसी के साथ करते वो क्यों कोई करे हमारे साथ। सो दूसरों का ख्याल रखिएगा। और मैंने इसलिए ये वीडियो शेयर की क्योंकि समटाइम हम सिखाते वक्त उनकी एज को नहीं नोटिस कर पाते। सो इस वीडियो में स्पेसिफिक मैं एज का डिफरेंस बता रही हूँ कि किस एज में क्या हो रहा है, डेवलपमेंट किस में हो रही है, और जो कुछ आप दिखाएंगे सिखाएंगे 2 to 4 ईयर्स वो बच्चा करेगा, और 6 ईयर्स तक आपका बच्चा बहुत ज़रूरी है कि जो कुछ आप करवाना चाहते हैं उनको 6 ईयर्स के अंदर अंदर करवाएं, चाहे वो स्टडी हो, कुछ भी जुबानें सीखनी हो या कुछ भी, जो कुछ वो 6 ईयर्स के अंदर सीखेगा वो इजीली सीखेगा, क्योंकि उसका ब्रेन अभी खाली है, उसके मतलब अभी जैसे डब्बी एक खाली है तो उसमें एक कैसेट्स बनती जाएंगी, लेकिन अगर हम उनकी मुनासिबत देखें तो हमें लर्निंग में अभी थोड़ा टाइम लगता है। जो 3 मंथ्स की चीज़ होती है वो हम 6 मंथ या 1 ईयर में तय कर पाते हैं। तो इसकी वजह ये है कि हमारे ब्रेन में उतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम जल्दी लर्निंग इजी लर्निंग करें, लेकिन उनके जहन में है। सो आप उनको 6 ईयर्स तक जो है अच्छे तरीके से डेवलपमेंट के लिए उनके ये चीज़ें उनके साथ करें, और फ्री हैंड करके करें, जो आप सिखाना चाहते हैं उसी के तरीके से आप उनके आगे स्टफ रखें, उनके साथ उसी के तरीके से बात करें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कलर सिखाना है, बार बार कलर्स वही दिखाएं, हर चीज़ में कलर वही रखें, बातचीत उनसे वही करें, और सबसे बड़ी बात कि बातचीत करें। सो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा क्योंकि आगे बहुत मज़ा आने वाला है। वीडियो सिर्फ ऐसे नहीं बनी, उसके साथ साथ बहुत कुछ है, और अगली वीडियो जो मेरे पास आने वाली है वो मैं बहुत अच्छा आपके साथ ट्यूटोरियल अपना शेयर करूंगी। ये मैंने भी कहीं से देखा था, लेकिन मैंने जब अपने घर में ये किया तो बहुत अच्छा मेकअप के हिसाब से वो ट्यूटोरियल है। तो मैं चाहूंगी कि आप मेरी अगली वीडियोस भी देखिएगा। सी यू गाइस। नो 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 नो, ये बेबी एरियल तू भी गाने एरिया।
मी ओए आर यू प्लेइंग गर्ल्स सुजैना ये Beautiful butterfly. Hungry! Caterpillar!